ओके ये तो बड़े राम का काम, मजे मजे से तोड़ते जाओ, टोकरी में डालते जाओ, मजे से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। लाइक कमेंट शेयर। अंकल ने फ्रूट दिया था जो कि खट्टा है पर अच्छा लग रहा खाना। Get away again. Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुल्लू। तो गाइस यार सीन ऐसा था कि नाइट हमें कुल्लू में स्टे करना पड़ा। हमारा प्लान तो था कि मनाली जाके स्टे करें, बट यार सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे तो कुल्लू में स्टे करना पड़ा। एंड गाइस यार अभी मॉर्निंग के 9 AM हो रहे हैं और हम सब रेडी हैं, सब नहा धो गए। सो गाइज अभी थोड़ा कुल्लू घूमते हैं, फिर उसके बाद हम निकलेंगे मनाली के लिए। एंड गाइज यार मेरा आपसे ये कहना है कि आप कभी भी अगर कुल्लू या मनाली आएँ तो आप ऐसी जगह पे स्टे करिए, ऐसी जगह पे होटल्स या रूम्स लीजिए जहाँ से आपको रिवर व्यू बहुत अच्छा दिखे। जैसे कि अभी मैं जिस जगह पर स्टे कर रहा हूँ तो यहाँ से यार जस्ट नीचे मेरे रिवर है एंड सामने माउंटेन्स है, तो आप ऐसी जगह पर ही रूम्स लीजिएगा। एंड अभी जो भी सीन्स हैं यहाँ पे कुल्लू के एंड आगे मनाली के, वो सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताता हूँ। एंड गाइस यार सीन ऐसा है कि मैं एवरी मोमेंट तो कैप्चर नहीं कर सकता, बिकॉज यार मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ तो आँखों के नज़ारे भी एक अलग बात होती है। वैसे पर जितना ज़्यादा मैक्स हो सकता है मैं आपको कवर करके सब बताता हूँ इसमें। एंड गाइस मिलते हैं आगे, जब तक आप एंजॉय करिए वीडियो को। सो पीस आउट। ये नाशपाती है सारी। अच्छा जी, ये सेब का है, एप्पल। घूमने के लिए तो सर ये चीज है, बाकी क्या पहाड़ क्या देखने है। ये पत्थर फिसलेंगे तो नहीं? कौन से वाले? ये जिन पे हम चल रहे हैं ये पक्के हैं। इसमें 70-80 किलो वेट लेके चले जाते हैं मुकुर को। हाँ ये जो फ्रूट तोड़ने ना, हाँ जी, इसको पहले टोकरी में डालेंगे, टोकरी में फिर किल्टा भरेंगे। हमारा होता है किल्टे उठाने का है, हम पीठ उठाते हैं, मेहनत का पीठ से वो उठाते हैं पीछे की तरफ किल्टे वाला। तो आप फिर ले जाना ऊपर ढेर कर देना उसका, फिर ग्रेडिंग करनी, फिर उसके बाद पैकिंग करनी, फिर इसी तरह जब तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं। ये तो बड़े राम का काम, मजे मजे से तोड़ते जाओ, टोकरी में डालते जाओ, मजे से। ये अनार का, अनार देखिए गाइस, अनार देखो किस तरह तैयार होता है। ये ग्राफ्टिंग क्यों है, ऊपर वाला भी इसी तरह तैयार किया। हाँ जी, एक पेड़ इस तरीके से तैयार होता है, दूसरे का छिटवाटी का लगा के ग्राफ्टिंग जी। तो गाइस फाइनली जिस व्यू के लिए हम नीचे आए थे वो भी आ चुका है। ये अंकल थे जिनका होटल हमने यूज करा था, इनके रूम में स्टे करा था रात में। तो अंकल आपका नाम क्या है? लालचंद नाम है मेरा जी अंकल। और यहाँ की कुछ खासियत बताइए। ये जो आंखों के नजारे एकदम नेचुरल, नेक्स्ट लेवल है यार। देखो पीछे पूरा गार्डन हर प्रकार के है, इसमें फल लगे हुए हैं। तो अंकल यहाँ सीजन का टाइम कब होता है? देखो जून से 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर तक, दिसंबर तक है ना। और यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी होती है, दिसंबर और जनवरी में होता है यहाँ पे जी। तो गाइस आपको आगे के सीन्स दिखाता हूँ मैं, बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। गाइस यार मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इच्छा ऐसी कर रही है कि यार यहीं पे रुक जाओ, पूरे दिन यहीं मज़े लेते रहो। मतलब इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, कुछ गर्मी का कोई सीन नहीं है, पर अभी यहाँ पे रुक नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि आगे भी जाना है। एंड अंकल ने फ्रूट दिया था जो कि खट्टा है पर अच्छा लग रहा है खाना में। तो गाइस बताइए यार कैसे व्यूज़ हैं यहाँ के, मेरे को बहुत अमेजिंग लगे यार, मतलब बहुत पीस है यार यहाँ पर। हालत ख़राब होगी पाजी चढ़ के,
नहीं बहुत जोर लगा, जोर लगा ना, जोर लगा बहुत, सांस फूल गया और पटकी पटकी इतनी नीचे से इतनी ऊपर चढ़ के आना पड़ा। जिस जगह पे स्टे कर रहे थे बहुत अच्छी प्लेस थी, तो अंकल अच्छा लगा आपसे मिलके भी और आपकी जगह पर रुक के। तो आप व्यूअर्स को बताइए क्या एड्रेस अपना। देखिए कुल्लू से 3 किलोमीटर पीछे पड़ता है, यहाँ का नाम है विलेज तराकड़ा। ये वो ये मतलब होम स्टे है, ब्यास व्यू होम स्टे करके है, तो यहाँ पर ये मतलब ब्यास व्यू होम स्टे। हाँ हाँ, तो गाइस ये एड्रेस इनका, आप जब भी कुल्लू आए तो 3 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो इनके यहाँ जरूर स्टे करें, बहुत अच्छा रोड में है ये। हाँ अंकल, आप व्यूवर्स को कुछ बोलो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी करना। ठीक है अंकल, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू अंकल। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक हमारे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा हम बिजली महादेव जाएंगे या मनाली, क्योंकि बिजली महादेव जाएंगे, मनाली तो जाना ही है, वो तो डिसाइड मतलब पहले बिजली महादेव का नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे से चला नहीं जाएगा वहाँ पे, बहुत दिक्कत आएगी मुझे। चलो कोई ना, तो अभी डिसाइड करते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो मैं कवर करके बताता हूँ आपको बिजली महादेव। ओके सो गाइस, मिलते हैं आगे। मनाली जा रहे थे तो रास्ते में एक सीन दिखा, एक पुल दिखा, तो यहाँ पर रुके हम वीडियोज एंड फोटोशूट के लिए। हेलो, व्हाट्स योर नेम, इंग्लिश? नो इंग्लिश, ओके, सायोनारा। हेलो, व्हाट्स योर नेम? शेरखान। वेयर आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम कर्नाटक। इंग्लिश? कर्नाटक। ओके, बैंगलोर। नाइस टू मीट यू। पाजी कैसे लगे यहाँ के? बहुत आनंद लगा जी, बहुत आनंद लगा, बहुत बढ़िया लगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस जगह पे हम आ जाएंगे, ये पहाड़ी इलाका है सारा, बहुत शानदार लगा जी मुझे, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम में हमारी विद फैमिली को हम यहाँ एंजॉय कराने जरूर लेके आएंगे। क्या बात, ओके। तो गाइस बताइए आप कमेंट्स में आपको कैसे लगे आगे सीन्स। तो अभी चलते हैं आगे मनाली की ओर। सो फ्रेंड, हम इस टाइम आए हैं जोगनी वाटरफॉल्स, और ये मनाली के अंदर ही आता है, और इस पर ऐसा कुछ है भी हम कार पूरा ऊपर तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमने अभी हमारी कार एक पार्किंग में लगाई है, और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की अपने ट्रैकिंग है, उसके बाद एक वाटरफॉल आएगा जो यहाँ का बहुत फेमस है। और मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर ये विज़िट करें, मस्ट वॉच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू। तो वेदर जैसा भैया ने आपको बताया, तो अभी चलते हैं आगे और जो भी व्यूज़ होते हैं वो सब कवर करते हैं। जोगनी वाटरफॉल में आके बहुत नेक्स्ट लेवल मजा आ गया, और यार यहाँ का पानी भैया कितने डिग्री सेल्सियस का पानी होगा?
मेरे ख्याल से आई थिंक -2 डिग्री सेल्सियस का इस पे इस टाइम टेम्परेचर है। भाई यार आपने जोगनी वाटरफॉल के व्यूज़ देखे, कमेंट्स में बताइएगा कैसा था, बहुत नेक्स्ट लेवल माहौल था। बट यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ का जो पानी था वो इतना ठंडा था गाइस कि यार उसमें 10 सेकंड पैर रखना भी बहुत मुश्किल था। गाइस हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सोलांग वैली, तो अभी सोलांग वैली के लिए निकलते हैं और वहाँ के जो भी व्यूज़ होते हैं कवर करके बताते हैं। सो पीस आउट। ये तो गाइस पाजी के साथ जिपलाइन राइड लेते हुए गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे जिप लाइन में, तो भैया कुछ होगा तो नहीं? नहीं सेफ रहेंगे, कुछ सेफ्टी कोई डरने वाली नहीं है, सेफ रहेंगे। चलो ट्राई करते हैं गाइस। तो गाइस 1 2 3 स्टार्ट। अमेजिंग गाइस। तो गाइस ये सेकंड वाली राइड स्टार्ट होने वाली है, जाऊं भैया ना? 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा मजा आया, तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। यार सीन ऐसा है कि सोलंग वैली गए थे बट वहाँ पर सब कुछ एडवेंचर टाइप का है, तो हमें एडवेंचर तो कुछ करना नहीं। आई होप कि यार आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा।